हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमी बेबल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडर, लीचर और पियर्स के बारे में। अगर आपने कभी भी टॉरेंट यूज किया है तो सीडर, लीचर और पियर टर्म जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सीडर, लीचर और पियर, ये तीनों टर्म ही टॉरेंट से रिलेटेड हैं, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में टॉरेंट एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, फिर आप टॉरेंट और उससे रिलेटेड टर्म को आसानी से समझ पाएंगे। सपोज आप कोई फाइल टॉरेंट से डाउनलोड कर रहे हैं और वो फाइल 100% डाउनलोड हो गई है, फिर भी आप उसे टॉरेंट डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर से रिमूव नहीं कर रहे हैं और अब वो फाइल आपके सिस्टम से केवल अपलोड हो रही है, तो अब आप सीडर कहे जाते हैं। इन शॉर्ट, जो भी 100% कंप्लीट फाइल को अपलोड करता है वो सीडर कहा जाता है। अब आप सपोज कीजिए कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं पर आपने अपलोडिंग स्पीड 0 या मिनिमम कर दी है, तो अब आप लीचर कहे जाते हैं। इन शॉर्ट, वो सेल्फलेस आदमी जो केवल डाउनलोड करना चाहता है पर अपलोड नहीं, वो लीचर हो जाता है। पियर वो होते हैं जो अपने सिस्टम पे डाउनलोड भी कर रहे हैं और अपने ही सिस्टम से उस टॉरेंट फाइल को दूसरों को दे भी रहे हैं। इन शॉर्ट, पियर टॉरेंट फाइल डाउनलोड और अपलोड एक साथ करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस टॉरेंट फाइल के सीडर्स ज्यादा हो वो पहले डाउनलोड हो जाती है। आने वाली टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के एमी बेबल को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।